हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं और हमें आर्टिकल्स ये बताता है कि हम कोई भी चीज़ के बारे में इन जनरल बात कर रहे हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के भी दो टाइप होते हैं, ए और एन। स्टार्ट करते हैं एन से। एन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद द वोवल ए ई आई ओ यू साउंड। यानी एन हम उन नाउन के साथ यूज़ करते हैं जो वोवल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल इग्लू। इग्लू जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अगर हम देखेंगे तो वो है आई। आई वॉवल है इसलिए हमने इग्लू के आगे एन लिखा है। ए इज यूज बिफोर नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट मतलब जो लेटर्स वॉवल नहीं है, इसका मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट का होते हैं उनके आगे हम लिखते हैं ए। एग्जाम्पल फ्लावर। फ्लावर एफ से स्टार्ट होता है, एफ एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने एफ के आगे लिखा ए। द। द इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके आगे हम लिखते हैं द। द इंडियंस। कौन से लोग? इंडियंस, भारतीय लोग, इसलिए हमने यहाँ पे आगे लिखा द। द टाइम्स ऑफ इंडिया। हम न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम हमने मेंशन किया है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए हमने यहाँ पे लिखा द। जो वर्ड्स ना वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम लिखते हैं एन। जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम लिखते हैं ए। कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर पर्सन प्लेस के बारे में बात कर रहे हो तो उनके आगे हम लिखते हैं द। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।